एपिसोड की शुरुआत में हमें रेजिलिया के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम और रेजिना जाके शेल्टर के अंदर छुप जाओ बाकी के सर्वेंट के साथ में। रेजिलिया होती है वो बोलती है कि डैड आप भी हमारे साथ चलो मॉम के साथ में, तो वो बोलने लगते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कुछ अलग ड्यूटीज हैं। रेजिलिया बोलती है आप फिर से लोगों को बचाने के लिए जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हाँ बेटा। रेजिलिया बोलते हैं कि फादर मैं भी आपकी मदद है वो करना चाहती हूँ, बट वो मना कर देते हैं, जब तक वो एक होली नाइट नहीं बन जाती तब तक वो नहीं कर सकती। वो बोलते हैं कि जब तुम अपनी होली स्वॉर्ड को अवेक कर लोगी तब हमारे साथ चल सकती है, और वैसे भी तुमने वो डीमन लॉर्ड की कहानी सुनी होगी ना, वो भी शायद एक सच ही, हालांकि उन्हें डीमन लॉर्ड कहा जाता है, बट मुझे पूरा भरोसा एक न एक दिन वो आएंगे और हमारी मदद करेंगे और सारे वॉइड्स को हराएंगे। प्रेजेंट में जब रेजिलिया अपनी आंखें खोलती है अपने सामने तीन वॉरियर्स को पाती है, उनके पीछे नेफकैस सोच रहा होता है इसने रेजिलिया को हरा दिया और वो मजे ले ही रहा होता है। इतने में धुंध हटती है और हमें दिखाया जाता है तीनों स्केलेटन वॉरियर सामने खड़े होते हैं। नेफकैस होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार इन लोगों को किसने समन किया यहाँ पे। वो स्केलेटन होते हैं वो रेजिलिया से बोलने लगते हैं कि ज्यादा घबराओ मत हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नेफकैस होता है वो यहाँ पे लेवल 6 की सॉर्सरी मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है। अचानक से लियोनस भी वहाँ पे प्रकट हो जाता है। नेफकैस जैसे ही रेजिलिया के ऊपर अटैक कर देता है हमारा लियोनस भी होता है उसे आराम से बचा लेता है। यहाँ नेफकैस को ये वो चोट लग जाती है, बट यहाँ पे हमारा लौंडा सोच रहा होता है कि लफड़ा के चल रहा है। तभी रेजिलिया होती है वो लियोनस से बोलती है कि आखिरकार ये स्केलेटन कौन है, तो वो बोलने लगता है कि तुम्हें याद होगा कि गाड़ी में चढ़ने से पहले मैंने तुम्हें कुछ है वो कीचेन्स दी थी, ये वही है। वो सारे स्केलेटन अपना अपना इंट्रो देते हैं और वो इतने ज्यादा हाई लेवल पे होते हैं वो तो मेरी ही फट जाती है भाई। यहाँ पे स्केलेटन होता है वो हीरोपंती झाड़ते हुए बोलता है कि मैडम जी आप आराम कीजिए आपकी हिफाजत तो हम कर लेंगे, तो बाकी के बोलते हैं नहीं नहीं हम तो यहाँ पे सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं ना। लियोनस चिल्लाने के लिए खड़ा होता है कि क्या बकचोदी कर रहे हो। इतने में नेफकैस होता है वो अपनी डार्क पावर के साथ फिर से खड़ा हो जाता है। नेफकैस बोलता है कि अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन होता तो तुम्हारी ये स्पेल मुझे खत्म कर देती, बट मैं वो नहीं हूँ। लियोनस सोचने लगता है कि आखिरकार ये बंदा करने की क्या सोच रहा है। नेफकैस होता है वो अपनी एक पावरफुल स्पेल को होता है वो कास्ट कर देता है और उनके ऊपर एक फायर मैजिक का अटैक कर देता है, बट लियोनस होता है वो आगे आके अपने आइस मैजिक से उसके अटैक को दस्त कर देता है। नेफकैस खुद चक्कर में पड़ रहा होता है कि व्हाट द फक ब्रो चल क्या रहा है। नेफकैस होता है वो लियोनस से बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तो लियोनस बोलता है कि पहले सवाल मेरा होगा आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। नेफकैस बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है, टेसेल ने अपना काम बढ़िया से किया। लियोनस को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता, तो वो बोलता है कि ज्यादा सोचो मत क्योंकि गॉडेस विसेल यहाँ पे आने वाली है। नेफकैस होता है वो अपने गेट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने लगता है। लियोनस होता है वो अपने शैडो हैंड से उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, बट नेफकैस होता है वो उनको तबाह कर देता है और ज्यादा टाइम बोलता है इस वर्ल्ड को तबाह होना पड़ेगा यही इसकी डेस्टिनी, और वहाँ से जाने लगता है। रेजिलिया लियोनस से पास आके बोलती है कि आखिरकार ये बंदा था कौन और इसकी प्रॉब्लम क्या थी। लियोनस बोलता है कि मुझे नहीं पता। लियोनस अपने मन के अंदर सोच रहा होता है इसे मैं अच्छे से जानता हूँ, इसका नाम नेफकैस है, इसने मेरी डीमन लॉर्ड की आर्मी के सारे अटेंड है वो की है मीटिंग, बट यहाँ पे वो किसी गॉडेस की बात कर रहा था। आखिरकार कौन गॉडेस, कहीं वो रेजिलिया तो नहीं। अचानक से जमीन थर थर कांपने लगती है, यहाँ पे ये काफी बार हो चुका होता है और आसमान की ओर एक अजीब राममार्ग अपीयर होता है। लियोनस बताता है ये सिंबल तब अपीयर होता है जब कोई बंदा या फिर कहें कोई भी क्रिएचर होता है वो गॉड्स को होता है वो रिवाइव करता है। एक स्केलेटन आके हमारे लियोनस से बोलता है कि मास्टर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह होने वाली, हमें यहाँ से निकलना होगा। लियोनस बोलता है कि इस लड़की को लेके बाहर निकलो, और वो लोग होते हैं वो झट से उस बिल्डिंग को खाली कर देते। रेजिलिया होती है वो लियोनस से बोलती है उधर देखो, और हमें दिखाया जाता है कि गॉडेस विसेल होती है वो अपने चैम्बर को छोड़ के बाहर निकल आती है। वेल माहौल काफी बढ़िया क्रिएट हो चुका होता है, चारों तरफ सारे वॉइड उसकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। लियोनस को अपनी वॉर की याद आती है जहाँ पे 6 एंजल्स ने अटैक किया था यानी 6 हीरोज, उसी में से ये हुस्न परी एक थी। रेजिना होती है वो सभी से बोलने लगती है कि जिस इलाके में हमारे बाकी के लोग हैं वहाँ पे एक वाइल्ड लॉर्ड के आने का मोहरा दिख रहा है। दूसरी ओर साकुया होती है वार्ली से बोल रही होती है कृपया करके बाहर मत आना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ वेलफाइन होती है वो अपने रॉकेट के अंदर से मिसाइल वगैरह सारी चीजें लॉन्च करने लगती है जिससे सारी चीजों पे नजर रखी जा सके। दूसरी ओर गॉडेस विजल होती है वो जागृत हो चुकी होती है और सभी की ओर बढ़ रही होती है। क्योंकि सारे वॉइड्स भी चारों ओर होते हैं वो निकल लेते हैं सभी को मारने के लिए, उनके रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म करने के लिए। एल्फाइन और बाकी के सारे लोग होते हैं वो ये तय कर रहे होते हैं कि करना क्या है, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े अमाउंट में अगर वॉइड यहाँ पे रहेंगे तो वो लड़ नहीं पाएंगे, उन्हें भागना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे अभी रेजिलिया और लियोनस मौजूद नहीं है तो खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। एल्फाइन बोलते हैं कि हम उन्हें एक तरीके से उठा लेंगे, और अचानक से वहाँ पे वॉइड का हमला हो जाता है, बट वहीं पे दूसरी ओर आर्ली सोच रही होती है ये क्या चल रहा है, क्या यहीं पे गॉडेस का मामला चल रहा है। दूसरी ओर हमें
में फिर से रेजिलिया को दिखाया जाता है, जो वो लोग जितने भी क्रिएचर्स को खत्म कर रहे थे वो रीजनरेट अपने आप को कर ले रहे थे। लियोनेस के यहाँ पे सोल्जर्स का भी कोई ये वो दाल नहीं गल पा रही थी कि आखिरकार वो कितने भी मेहनत करें वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रेजिना होती है वो अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रही होती है और साको या भी सेम कर रही होती है, बट उन वॉइड की पावर के सामने उनकी पावर एकदम ना के बराबर हो रही थी। लियोनेस होता है वो एक वॉइड को मारते हुए बोलता है कि इन सभी के सिर को निशाना लगाओ वरना इन्हें हम खत्म नहीं कर पाएंगे, और बाकी तरफ साकुया भी ये डिसाइड कर लेती है। सभी लोग होते हैं वो अपनी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए वॉइड को हरा रहे होते हैं, जैसे कि हमारी प्यारी रेजिलिया। स्केलेटन वॉरियर्स भी होते हैं वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सारे वॉइड को खत्म कर रहे होते हैं, जैसे कि एक लीडर के अंदर होता है। तभी लियोनेस गॉडेस की ओर देखता है, वो बोलने लगता है कि लफड़ा ये है कि अब हमें इस गॉडेस को खत्म करना पड़ेगा तभी सब कुछ एंड होगा। एल्फाइन होती है वो अपने लोकेटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाइक को ढूंढ लेती है और उसी तरफ वो बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर आर्ली भी होती है, वो बाहर निकल आती है बट वो जख्मी होती है। यहाँ पे लोगों को डरना चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्केलेटन वॉरियर बोलते हैं काफी समय से अच्छी लड़ाई नहीं लड़ी है, आज तो मजा ही आ जाएगा कतई। रेजिलिया होती है वो काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है और लियोनेस की नजर अभी भी गॉडेस की ओर होती है। वो सोच रहा होता है कि करना क्या चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंट पे अभी उसकी पावर और जो उसकी हाइट है उसे जाके भी टच करना मुश्किल है। लियोनेस को पसंद नहीं होता है कि कोई उसके रास्ते में आ रहा हो, इस वजह से वो अपनी बहुत ज्यादा बड़ी स्पेल को कास्ट करता है और गॉडेस विसेल के ऊपर अटैक करता है। बट गॉडेस विसेल उससे काफी ज्यादा तेजी से जलना शुरू हो जाती है, मतलब उसके अंदर लपटे भर जाती है। लग तो ऐसे रहा होता है कि गॉडेस होती है वो अभी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी, बट वो हमारे लियोनेस की पावर को ही एब्जॉर्ब कर जाती है। लियोनेस को भी काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल स्पेल को कोई खा चुका होता है। इतने में गॉडेस विसेल भी होती है, वो एक हाईली सेकेंडरी मैजिक जो भी वगैरह वगैरह उसका इस्तेमाल करने लगती है। लियोनेस को पता होता है वो चाहके भी उस अटैक को झेल नहीं पाएगा, इस वजह से वो सारे वॉरियर के साथ मिलकर अपने लिए प्रोटेक्शन बैरियर की तैयारी करने लगता है। वेल मैं देख के बता सकता हूँ कि गॉडेस विसेल का अटैक हमारे लियोनेस के अटैक से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है और अचानक से वो अपने अंदर से फायर की बरसात कर देती है। उससे उसके साथ ही यार का बॉयड्स की भी होती है, वो काफी लग रही होती है, बट क्या फर्क पड़ता है। इतनी ही देर में हमें आर्ली को दिखाया जाता है जो कि ये सारा माहौल देख रही होती है। बोल रही होती है ये तो लेवल 11 का है वो, मतलब मास्टर मैजिक है, लो क्या बोलते हैं नेमेसिस। की लड़कियां सोच रही होती है कि बाहर चल क्या रहा है, तो बाहर से आवाज आती है कि अपने अपने काम पे ध्यान दो। वहीं दूसरी ओर अल्फाइन होती है वो सब कुछ मैनेज कर रही होती है। अचानक से लियोनेस का बैरियर भी होता है वो टूटने लगता है और गॉडेस विसेल के पास से काफी वॉइड उनकी ओर होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। लियोनेस रेजिलिया से बोलता है कि कुछ देर के लिए तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि जो मैं अभी करने वाला हूं काफी मुश्किल होगा। रेजिलिया होती है वो अपने हाथ को काट के जमीन से डार्क होती है, वो नीचे उगाने लगती है और अपने पंख निकाल के आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना शुरू करती है। स्केलेटन वॉरियर भी होते हैं वो अपने काम से पीछे नहीं हट रहे होते और सभी को ढेर चटा रहे होते हैं। सबकी भैया एकदम अलग ही पर्सनैलिटी होती है, देखने में काफी ज्यादा ये वो मजा आ रहा होता है। अभी अपने स्किल का अच्छा सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी लियोनेस होता है वो एक जंप मार के आसमान में चला जाता है और सीधा विसेल के सामने खड़ा होता है। वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को होता है वो निकालने लगता है, डीमन स्वॉर्ड टेन स्लेव का इस्तेमाल करने के लिए पूरा तैयार होता है, बट विसेल के अंदर कोई ज्यादा जख्म है वो दिख नहीं रहे थे। अचानक से लियोनेस बोलता है कि मुझे करना होगा, बट उसकी तलवार उसकी बात नहीं मान रही थी, जस्ट लाइक वो उसके ऊपर अटैक ही ना करना चाह रही हो। वो समझ चुका था कि कुछ लफड़ा चल रहा है। इतने में सामने से आवाज होती है, तुम्हारे डीमन स्वॉर्ड मुझे कभी नहीं मार पाएगी। लियोनेस को होता है वो उस चीज के अंदर से रोजेलिया की आवाज सुनाई देती है। हमारा लियोनेस पूरी तरीके से कांप चुका होता है, उसे ये लगने लगा होता है कि कहीं ये वॉइड लॉर्ड और कोई नहीं रोजेलिया ही तो नहीं है। अपने मन को मार के सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है और उसके ऊपर काफी शानदार से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने अंदर से काफी ज्यादा बड़े बड़े एनर्जी तीर होती है वो बाहर निकालती है और फायर करना शुरू कर देती है। वो अपने ही हाथों अपने सारे साथियों की कब्र खोद देती है, जिससे हमारे लॉन्डो को भी काफी इफेक्ट पड़ रहा होता है। एक तीर लियोनेस की छाती में घुस जाता है और वो नीचे की ओर गिरने लगता है, तो रेजिलिया होती है वो उसकी ओर बढ़ने लगती है। और वो ये करे उससे पहले ही जो विजेल होती है वो अपनी पावर का फिर से इस्तेमाल करने लगती है और जायंट मैजिक को होती है वो अपेयर करने लगती है। उसका पूरा इंटेंशन होता है कि वो लियोनेस को खत्म कर दे, बट यहाँ पे रेजिलिया होती है वो सोचती है कि कैसन भी अपने मालिक की हिफाजत करने की चाहत से वो फिर से अपने एक नए लेवल को अचीव करती है और उसके सामने उसकी ड्रेस होती है वो अपीयर हो जाती है। वो अपने शानदार से अटैक को सभी के ऊपर कास्ट कर देती है और जो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है वो होता है। वो विसेल को नीचे गिराने में एकदम कामयाब हो जाती है। स्केलेटन सोल्जर भी होते हैं वो लियोनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे वॉइड्स को खत्म कर रहे होते हैं और
रेजिलिया हरियाणी रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनस की ओर बढ़ जाती है उसे पकड़ने के लिए, और बाकी के वॉरियर उसके डिफेंस के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। रेजिलिया होती है वो जमीन पे बैठ जाती है लियोनस के पास में उसे पकड़ के। जब लियोनस उसकी गोद में था तब वो सोच रहा था कि क्या होगा, वहीं उसे सपना आता है कि गॉडेस रेजिलिया उसकी बाहों में लेटी और वो बोलती है कि जो भी हो तुम्हें मुझे ढूंढना पड़ेगा। लियोनस अपनी आंखें खोल के बोलता है रेजिलिया यहाँ से भाग जाओ, बट यहाँ पे वो मना कर देती है। लियोनस सोचने लगता है ये मेरी स्लेव बनी, इसमें भी मेरी गलती, मैंने इसे मिनियन बनाया। लियोनस होता है वो बोलने लगता है कि तुम मेरा सारा खून पी लो, तुम्हारी जान तो बचेगी एटलीस्ट, और रेजिलिया भी होती है वो ऐसा ही करने का सोचती है। फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेजिलिया ने बोला होता है अगर किसी वजह से फ्यूचर में मैं तुम्हें ऐसी ना मिलूं जैसी अभी तुम्हारे सामने हो, घबराना मत, अपनी डीमन स्वॉर्ड से मुझे सीधा खत्म कर देना, मेरी कोई परवाह मत करना। लियोनस को ये भी लग रहा होता है कि अगर रेजिलिया किसी भी तरीके से वॉइड के अंदर तब्दील हो गई होती तो लियोनस उस वर्ल्ड में जागता ही क्यों, क्योंकि उसका पूरा मकसद तो सिर्फ रेजिलिया से मिलने का था। हमारा लियोनस फिर से बोलता है अपने मन के अंदर कि क्यों, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। लियोनस मना कर देता है सीधे सीधे, वो बोलने लगती है कि ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बट याद रखना जब भी ये हालात मौजूद होंगे तुम समझ जाओगे कि आखिरकार मेरा मतलब क्या था, तुम्हारी ड्यूटी क्या इस वर्ल्ड के लिए। और रेजिलिया ये भी बोलती कि जो डीमन स्वॉर्ड मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हें एक दिन तुम्हारी असली जगह, तुम्हें तुम्हारा असली काम है वो जरूर समझाएगी। हमारे लियोनस को धीरे धीरे करके उसकी मेमोरीज मिल रही होती है जो वो भूल चुका होता है, बट धीरे धीरे करके आ रही होती है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये एपिसोड थोड़ा मुझे खराब लगा, पता नहीं क्यों बट खराब लगा। अगले एपिसोड के लिए तुम रेडी होना क्योंकि वो सीजन का आखिरी एपिसोड है और सीजन 2 कब आएगा पता भी नहीं। चल देन, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सेवन आर और बाय बाय। आई नो वीडियो के एंड में बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं था, बट यार क्या कर सकते हैं, हालात ही ऐसे हैं।